हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स। क्वेश्चन जो हम लोग का चैप्टर है, नया चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसका हम लोग पार्ट वन में क्या सीखेंगे। आजकल क्या होता है, हम लोग के कंपटीशन एग्जाम में हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं या कहीं पर भी मैथ का डेमो देते हैं, तो वहां पर हम लोग को से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको फाइंड द मेथड सम ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, मतलब हमें कुछ फ्रैक्शन दिए जाते हैं इस प्रकार मिक्स फ्रैक्शन में, और हमें वहाँ सॉल्व करना होता है। देखिए आजकल क्या कि हम लोग को उतना टाइम नहीं दिया जाता जितना हम लोग को एकेडमी एग्जामों में मिलता है। जैसे हाईस्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, या क्लास एट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिफ्थ का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें टाइमिंग दी जाती है इतने घंटे में इतना पेपर सॉल्व कर दीजिए। तो वहां पर तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग को टाइम अच्छा मिलता है। लेकिन जब हम लोग किसी कंपटीशन एग्जाम को देते हैं तो वहां पर टाइम कम होता है और हमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को अटेंड करना होता है। हम लोग ज्यादा जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करते हैं तभी हम लोग का सिलेक्शन क्या होता है, श्योर होता है वहां जाके। तो देखिए सर, हम लोग को मैथ के क्वेश्चन सभी अटेंड भी करने हैं और क्वेश्चन गलत भी ना हो। तो मैं कुछ ट्रिक से ही बता रहा हूँ कि, लेकिन देखिए एक मैं बात बता दूँ, मैथ में ट्रिक बहुत होती है, मैथ में फार्मूले बहुत होते हैं, लेकिन मैथ एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस उतनी मैथ दिमाग में रहती है। तो देखिए आप 10th क्लास से जुड़े हुए हैं इसलिए हम लोग जो टॉपिक लेते हैं वो बिल्कुल ठोस टॉपिक रहेंगे। आपसे उसने दिया ए होल बी अपॉन सी प्लस डी होल ई अपॉन एफ प्लस जी होल एच अपॉन आई प्लस डैश डैश प्लस एक्स होल वाई अपॉन जेड। इक्वल इसने क्या लिखा, ए प्लस डी प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स, फिर प्लस बी अपॉन सी प्लस ई अपॉन एफ प्लस डॉट डॉट प्लस वाई अपॉन जेड। इस दिन यहाँ पर हम लोग को करना क्या कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें सभी मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहे होंगे। आप देख रहे हैं तीन क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं पहले से ही, वो तीनों को ये तीनों क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है। देखिए अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो टाइम बहुत लगता है। हम क्या करेंगे, इसी ट्रिक के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। दो बार आप क्वेश्चन को करने लगेंगे तो आपके दिमाग में ट्रिक बैठ जाएगी। आपको ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है ना जब आपको भी सॉल्व, ये तो आपको तुरंत सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में टू प्लस सेवन प्लस एट और प्लस दूसरे क्रम में क्या लिखेंगे, थ्री अपॉन फोर प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस टू अपॉन फाइव। ओके स्टूडेंट, अब देखिए टू और सेवन आप एड कर दीजिए, तो टू और में सेवन एड किया तो नाइन हुआ, नाइन में एट एड कीजिए तो सेवनटीन हो जाएगा, होता है कि नहीं हो जाएगा प्लस। अब देखिए सुनो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फोर सिक्स फाइव का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आता है, एलसीएम निकाल लीजिए। फोर सिक्स फाइव का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, टू से टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स फाइव, फिर टू से डिवाइड करेंगे टू वन जा टू थ्री और फाइव, फिर थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन वन और फाइव। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समय ना वेस्ट करें, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब थ्री का डिवाइड करो तो वन आएगा, फाइव करो तो फाइव आएगा, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया, सिक्सटी आ गई। इससे भी थोड़ी बचत आपके समय की हो सकती है। आप फोर का सिक्सटीन डिवाइड कीजिए तो आपका फिफ्टीन आएगा, क्योंकि फिफ्टीन फोर का सिक्सटी होता है। अब देखिए इन क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए आपको टेबल भी लर्न होने चाहिए, टेबल भी लर्न होंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। अब देखिए फोर का सिक्सटीन डिवाइड किया तो फिफ्टीन आया, फिफ्टीन थ्री से मल्टीप्लाई करेगा, फिफ्टीन थ्री जा क्या होता है, फोर्टी फाइव होता है, प्लस आपने लगाया, सिक्स सिक्सटी को डिवाइड करेगा तो टेन आता है, और टेन आपका वन से मल्टीप्लाई कर लेगा तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा टेन वन जाए टेन, प्लस अप्लाई किया, फाइव सिक्सटी को डिवाइड करेगा तो ट्वेल्व आएगा, क्योंकि ट्वेल्व फाइव जाए सिक्सटी होता है, और ट्वेल्व टू से मल्टीप्लाई कर देगा, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर हो गया इस टाइम। अब देखिए इन्हें ऐड कर लीजिए तो सेवनटीन प्लस फाइव, फोर्टी फाइव में टेन ऐड करोगे तो फिफ्टी फाइव हो जाएगा, और फिफ्टी फाइव में अगर आप ट्वेंटी फोर ऐड करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, फाइव फोर नाइन और फाइव में टू करके सेवन, यानी सेवेंटी नाइन अपॉन सिक्सटी आ गया। अब इसमें जिसके नीचे वन, इसके नीचे वन ऐड कर लेते हैं और एलसीएम देखते हैं, एलसीएम लिया तो हमारा क्या एलसीएम आ गया, सिक्सटी आ गया, वन सिक्सटी से डिवाइड करेगा तो सिक्सटी आएगा, तो किसी वन का किसी भी नंबर डिवाइड करते हो नंबर आता है, तक नहीं आता। अब सिक्सटी सेवनटीन से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब मल्टीप्लाई करो तो जीरो तो ये हो ही गया, सिक्स वन जा फोर्टी टू के टू फोर कैरी, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स में फोर ऐड किया टेन, तो 1020 आ गया, प्लस 60 का 16 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, सेम वैल्यू का सेम वैल्यू से डिवाइड करते तो 1 आता है, और 179 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो 79 बन जा 79 आएगा, 0 9 ऐड किया तो 9 आपका हो गया, 2 और 7 ऐड किया तो भी 9 हो गया, और 10 ये अपॉन 60 आया।
तो ये आपका फ्रैक्शन आया। अब आप इसे क्या ले सकते हैं, इसको आप ये भी ले सकते हैं, इसे आपको अगर लिखना है तो आप ये भी है। इसे अगर आपको बहुत जल्दी लिखना है, जैसे 17 ये आया आपका, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका भी है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इसे सॉल्व करके हम कहाँ तक पहुंचे, 17+79 तक पहुंचे ना। देखिए अब इसको हम इतना ना करें, यहाँ पर तुम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, लग जाएगा लग जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, हमें ये मिली वैल्यू, हमें क्या मिली, 17+79/60 ये वैल्यू मिली कि नहीं मिली, ठीक है। इनमें इसको आप लोग क्लियर हो रही होगी। अब इस वैल्यू को हम लिखेंगे क्या, इसमें ये ले सकते हैं 17+1+19/60। अब देखिए 17 और 1 को आप ऐड कर दीजिए तो आपका क्या जाएगा, 18+19/60। तो इससे आप क्या ले सकते हैं, इसे आप ले सकते हैं, इसे आप ले सकते हैं 18 होल 19/60 आपका आंसर आ गया। इतना आपको करना है, हमने यहाँ 1 ले लिया, 79 था, 60 था। अब 79 में 60 आप सबसे करेंगे तो आपका 19 ही आ जाएगा ना, तो 19 आ गया तो 19/60 मिल गया, और अपने 1 अलग से ले लिया तो 17 और 18 आया, और 18+19/60 को हम क्या ले सकते हैं, 18 होल 19/60। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखिए आपको तीनों में इस फ्रैक्शन में 1 है ना, तीनों के साथ 1 होल में, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 1+1+1 क्वेश्चन ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर प्लस एन अप्लाई किया, यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 3/5, फिर +2/7+1/4 आ गया, ओके क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ इन तीनों नंबरों को ऐड कर दीजिए, तो 1 1 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3+। अब 5 7 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, 5 7 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 140। आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या एलसीएम आएगा, 140 आ जाएगा। 5 से 140 को डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से 140 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 84, और 84 3 से मल्टीप्लाई आपका करेगा, 3 4 2 कैरी 1 हो गया, 3 8 24 में 1 ऐड करेंगे 25 × 252 आपका आ गया। प्लस सन अप्लाई किया, 7 140 से डिवाइड होगा, 7 का 140 से आप डिवाइड कीजिए तो आपका 20 आएगा, और 22 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो यहाँ आपका 40 आ जाएगा। फिर प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 140 को डिवाइड करेगा, जब 4 140 को आपका डिवाइड करेगा तो आपको 25 मिलेगा, और 25 1 से क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आपको 25 आ गया। तो 3+, अब आप इन नंबरों को ऐड कर लीजिए, 252 40, आप इन नंबरों को आप ऐड कर लीजिए। अब देखिए पहले 5 से आप यहाँ डिवाइड कीजिए, 5 से इसको पहले देखिए, ये आपका 3 आया कि नहीं आया, प्लस अब यहाँ पर 5 7 4 का आपका एलसीएम जो आया 140 आया। आप 5 से 140 को डिवाइड कीजिए, तो 5 2 10 4 आया, 0 लिया, 5 8 40 तो 28 आया। अब 28 आपका 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो जब 28 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 8 24 के 4 2 कैरी, और 3 2 6 में डिवाइड करेंगे 84 ही आपका है। फिर 7 का डिवाइड 140 में करेंगे, तो 7 का जब आप 140 डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 होता है, तो 20 मिलेगा, और 22 से मल्टीप्लाई आपका करेगा तो 22 40। फिर प्लस साइन अप्लाई किया, 4 का 140 से डिवाइड कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, जब आप 4 का 140 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 35, और 35 क्या करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 35 बन जा 35। अब देखिए इसे इनको ऐड कर दीजिए, तो 3+84 140 और 35 आप इन्हें ऐड करेंगे। जब आप इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या होगा, 84 40 और 35 इन्हें ऐड कीजिए, ऐड करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 159 upon 140। ओके स्टैन, तो इसे आप क्या ले सकते हैं, 3+1, इसमें भी वही 3+1 और प्लस 19 upon 140। 59 40 में सबसे करेंगे तो 19 आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, अब 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4, इससे आप ले सकते हैं 4 होल 19 upon 140। तो ये क्वेश्चन आपके क्या आ गया आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर अब दो दो फ्रैक्शन माइनस में भी दिए हुए हैं,
तो हम लोग वही पुराना अपना काम करेंगे, 4 + 5 - 2 - 4, जो जिसके साइन है उसके साइन वही लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ प्रश्न हमारा +1/2 + 2/3 - 3/5 फिर -2/3, ये दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इस जगह हम लोग को 4 और 5 ऐड करोगे तो 9 होगा, और -2 - 4 ऐड करेंगे तो -6 होगा, तो 9 में 6 सप्टे कर दीजिए, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा 9 - 6, और ये +2/3 - 2/3 कैंसिल हो जाएगा, +1/2 - 3/5। अगर ऐसे फ्रैक्शन कैंसिल हो जाए तो उन्हें कैंसिल कर लेना चाहिए। 9 में 6 सप्टे करेंगे 3 आएगा। अब आप 2 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 10 मिल जाएगा एलसीएम आपका। 2 10 को डिवाइड करेगा तो 5 आया, 5 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 बन जाए, 5 - 5 10 को डिवाइड करेगा 2 आएगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 3 = 6 हो गया। तो 3 + 6 में 5 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आप कितना आएगा, -1/10 आएगा। अब इसको भी हम लोग वही करते हैं, 3 को हम क्या ले सकते हैं, 2 + 1 2 + 1 और -1/10। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 whole 9/10, ये स्टेम क्या आ गया, आंसर आ गया 2 whole 9/10, ये आपका आंसर आ गया। तो ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपने कंप्लीट करें। अगर हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।